दुर्गा पूजा को लेकर जामताड़ा पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और जिले के डीसी और एसपी ने जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारी और सीआरपीएफ के जवानों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान दुर्गा पूजा के अवसर पर शांति व्यवस्था बहाल रखने तथा संवेदनशील जगह को चिन्हित करने का निर्देश दिया। दुर्गा पूजा में जिले में शांति व्यवस्था बहाल रहे तथा इसके लिए असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने का भी निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कहा कि हर हाल में जामताड़ा जिले में शांतिपूर्वक तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा मनाया जाएगा। इसकी तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा कर ली गई है। वहीं जिले के एसपी ने बताया कि जिले में पर्याप्त बल मौजूद है। इसके अलावा सीआरपीएफ के जवान भी मुस्तैद रहेंगे और सीसीटीवी द्वारा भी निगरानी रखी जाएगी। बेसिक मॉक ड्रिल होने के बाद में सीआरपीएफ के बाद में हम लोगों ने एक ब्रीफिंग सेशन रखा था यहाँ पे कंट्रोल रूम में। कंट्रोल रूम भी हम लोग के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है और साथ में इसको हम लोग कंपाइल भी कर रहे हैं। कंट्रोल रूम में हम लोग डीसी सर के सहयोग से इसमें सीसीटीवी लगाने का भी विचार कर रहे हैं और साथ ही वायरलेस सेट को भी सबको हम लोग एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आगामी दुर्गा पूजा को लेकर हम लोगों ने यहाँ पे ब्रीफिंग की थी और साथ ही आने वाले दिनों में हम लोग के द्वारा पुलिस बल को लेकर और बल भी हम लोग को बाहर से भी बल अलॉट हुआ है और इस बार अधिक मात्रा में बल अलॉट हुआ है, जिसको लेकर हम लोग आगे फ्लैग मार्च भी करेंगे। साथ ही सभी अपराध कर्मियों को चिन्हित करने के लिए भी हम लोगों ने आज दुर्गा पूजा में थाना प्रभारी लोगों के साथ में पुलिस उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में एक मीटिंग का गठन किया था और विधि व्यवस्था को लेकर हम लोगों ने विभिन्न तरह के दिशा निर्देश भी दिए। हाँ हाँ, दुर्गा पूजा की तैयारी के लिए हम लोगों ने ये शुरुआत की है, ब्रीफिंग की है सभी पुलिस पदाधिकारियों जवानों के साथ कि किस तरह से पूजा को संपन्न करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शांति बनी रहे और लोग हर्षोल्लास के साथ पूजा मनाएं, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एसपी साहब ने और मैंने एसपी साहब ने बताया कि किस तरह से काम करना है, लोगों के साथ मिलकर लोगों को अपने पर्व मनाने देना है लेकिन उनकी सोशल एलिमेंट्स को बख्शना भी नहीं, तो किसी भी कीमत पर छोड़ना भी नहीं। जो इस तरह के उपद्रव को अंजाम देंगे उनके साथ सख्ती से प्रशासन को